हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी डॉट कॉम। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि जैसे कि फैदोमीटर का यूज़ करके हम किसको मापते हैं, ठीक है, इस टाइप का। तो आज की इस वीडियो में हम सभी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है। पहला इंस्ट्रूमेंट है सोनार। तो समुंदर के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो आपने सुना होगा पनडुब्बी, ठीक है, तो पनडुब्बी भी जो है वो इसी सोनार का यूज़ करती है, ठीक है। अब ये एक पनडुब्बी है, इसने अगर ये देखना है कि दूसरी पनडुब्बी कितनी दूर है तो वो कैसे पता लगाएगी, इसी सोनार का यूज़ करके लगाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो एनीमोमीटर, तो वायु की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपके पास पायरोमीटर। पायरोमीटर यानी कि उच्च ताप को मापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बैरोमीटर। बैरो यानी कि क्या होता है, बैरो मतलब बार, ठीक है, बार मतलब दाब। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से देखो तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है, एक होता है हाइड्रो, एक होता है हाइग्रो, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस देखना है, तो एक होता है हाइड्रो और एक होता है हाइग्रो। तो एक है आपके पास हाइड्रो और एक होता है हाइग्रो। दोनों का डिफरेंस मुझे आपने इस वीडियो के कमेंट में बताना है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर यानी कि दूध का घनत्व को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो है वो दूध और दही में पाया जाता है। आगे चलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो जो आपका स्टेथोस्कोप होता है वो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपके डॉक्टर्स, ठीक है, उनके पास रहता है, तो स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हम हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है आपके पास स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो रक्त दाब को मापने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, आगे है आपके पास कैरेटमीटर, ठीक है, कितने कैरेट का सोना है। तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम कैरेट मीटर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, आगे है आपके पास लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास रडार। तो रडार में रेडियो वेव्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव्स द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को मापने के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेनली जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, तो उनमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपके पास सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ, भूकंप को मापने की यानी कि यूनिट क्या है, तो रिक्टर स्केल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे है आपके पास फैदोमीटर, यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फैदोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा महासागर जो है वो सबसे गहरा है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था, पहला क्वेश्चन था आपके पास हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो फैदोमीटर का यूज हम समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। लास्ट है आपके पास पॉलीग्राफ, यानी कि झूठ का पता लगाने के लिए हम पॉलीग्राफ यंत्र का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।